नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। तो दोस्तों, आज हम जो यहां रूबरू हुए हैं वो है रीजनिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, है ना, खून का रिश्ता। आज हम डिस्कस करेंगे ये जो खून का रिश्ता है, यानी कि जो ब्लड रिलेशन है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से आप मतलब समझ रहे होंगे, मतलब जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भी आपकी जो माँ है उनके पति का भाई, आपकी जो माँ है उनके पति का भाई आपका कौन लगता है, तो आपने देखा भी माँ माँ के पति, जैसे कि आपको पता है भी पिता, और पिता का भाई कौन, चाचा या ताऊ, है ना, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं उनको, अंकल। तो बस आज हम यही सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को अगर और थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो किस तरीके से रिलेशन का पता चल सकता है, चलाना होगा, है ना। तो ब्लड रिलेशन में कुल मिलाकर दोस्तों ये तीन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट मतलब कथन, जैसे आपको लिख दिया ए बी का भाई है, बी सी की माँ है, सी डी का चाचा है, डी ई की पोती है, ई एफ का भाई है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट देते रहेंगे और आप उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते रहोगे। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आता है पॉइंटिंग आउट। ये जो पॉइंटिंग आउट वाला क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें इशारा करते हुए, मतलब ऐसा बोला जाता है क्वेश्चन में, एक महिला ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी बहन के भाई के पति की इकलौती लड़की का बेटा है, तो बताइए दोनों में क्या रिलेशन है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। और तीसरा जो एक क्वेश्चन पार्ट है वो है कोडेड रिलेशन। इसमें आपको दोस्तों कोड्स दिए जाते हैं, स्टार, आपको बोलेंगे स्टार का मतलब है ए बी के पिता हैं, फादर पिता दे देते हैं, है ना। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई का मतलब दे दिया मदर, इस तरीके से और भी आपको यहां पर कोड्स दिए जाते हैं जिसके आधार पर आपको रिलेशन फाइंड करनी होती है, करेक्ट है दोस्तों। तो इन तीनों ही पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, इस क्वेश्चन को हमें एक चार्ट के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। चार्ट, हम एक चार्ट बनाते हैं और उसके बेस पे ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब ये चार्ट क्या है, तो जब हम, मान लीजिए हमारे पास कुछ लोगों का एक डाटा दिया गया किसी क्वेश्चन में, हमने वो क्वेश्चन को कन्वर्ट करना शुरू करा और वो इस तरीके से बनता चला गया, ए प्लस इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू डी माइनस ई, प्लस इज इक्वल टू एफ जी, और यहां पर H माइनस और ये J प्लस, ठीक है, तो I ले लेते हैं इसको। तो ये एक हमें 9 persons का एक फैमिली का डाटा गिवन था और हमने क्वेश्चंस की डिमांड को पूरा करते हुए वो चार्ट बनाना शुरू कर दिया और वो चार्ट कुछ इस तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट हो गया, करेक्ट है दोस्तों। अब जब हम इस चार्ट को देखते हैं तो हमें भी समझ नहीं आ रहा कि क्या है कैसे है, लेकिन एक चीज का बिल्कुल कंफर्म बात है कि जो ये चार्ट हमने प्रिपेयर करा, इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कुल मिलाकर 5 सिंबल्स का इस्तेमाल करा गया, 5 चिन्हों का इस्तेमाल गया है। ये 5 चिन्ह क्या है, अगर हम एक बार समझ लें डिटेल में कि ये 5 चिन्ह है क्या और किस तरीके से इनको कनेक्ट करके हम इस चार्ट को बनाते हैं, तो हमें ये चैप्टर में पूरी कमांड हो जाएगी और आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप इसके बेसिस पे कर सकते हैं। ये जो चार्ट बना है इसमें आप देखिए, प्लस लगा, इक्वल टू लगा, ये दोनों साइड वाला एरो लगा, माइनस लगा और ये एक वर्टिकल लाइन खींची, ठीक। तो ये पांचों चिन्ह क्या है, एक बार थोड़ा सा जरा इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चिन्ह लगा है हमारे सामने प्लस का, राइट। ये जो प्लस का साइन है ये हम मेल मेंबर को, है ना, पुरुष को हम यहां से संबोधित करते हैं प्लस। तो प्लस का मतलब यहां आप देख सकते हैं प्लस जो लगे हैं
इसका मतलब है वो एक पुरुष व्यक्ति है, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है मोहन, तो दोस्तों ये जो मोहन है ये नाम से तो लगता है पुरुष, लेकिन जरूरी नहीं है मोहन पुरुष ही हो। इस चैप्टर के सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हम नाम के बेसिस पे कभी भी उसके जेंडर का अपनी तरफ से मान नहीं सकते हैं। यहाँ पर जब तक हमें क्लियर नहीं दिया होगा कि मोहन एक मेल मेंबर यानी कि पुरुष व्यक्ति है, तब तक हम इसमें मोहन पे प्लस नहीं लगा सकते। मान लो दिया है मोहन इज अ मेल मेंबर, तो मेल मेंबर दिया है तो हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। आप भी ऐसे करेंगे। इसके बाद दूसरा चिन्ह यूज होगा दोस्तों माइनस। माइनस का मतलब होता है फीमेल, फीमेल मतलब महिला। जब भी कोई महिला सदस्य होगी घर में उसके लिए हम माइनस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। जैसे कि मान लो दिया हुआ है बबीता, तो आपको पता है वैसे बबीता तो फीमेल नाम है, बिल्कुल तारक मेहता के उल्टे चश्मे में बबीता जी है, राइट। तो अगर क्लियर दिया हुआ है कि बबीता इज अ फीमेल, तब हम माइनस लगाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि तो दोस्तों एक पुरुष व्यक्ति का नाम भी महिला हो सकता है। आप जानते हैं श्रीलंका के एक प्लेयर महिला जयवर्धने, उनका नाम ही महिला है, तो हम कैसे विश्वास कर ले कि किसी महिला का नाम मोहन नहीं हो सकता या किसी पुरुष का नाम बबीता नहीं हो सकता, ठीक है। जब तक क्लियर नहीं दिया आप ये माइनस और प्लस का अपनी तरफ से कभी भी कोई यूज नहीं करेंगे, करेक्ट। चले इसके बाद जो तीसरा सिंबल आता है दोस्तों वो आता है हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ पति और पत्नी के लिए। पति पत्नी इनके लिए जो हम चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वो होगा दोनों साइड का एरो, ऐसे आप देख सकते हो यहां पर दोनों साइड के एरो लगे हुए हैं, ठीक बात। अब मान लो ऐसा दिया आर इज अ हस्बैंड ऑफ एन, आर एन के पति हैं, तो हम दोनों के बीच में ये दोनों साइड वाला एरो लगा देंगे, करेक्ट है, क्योंकि पति पत्नी है। अच्छा इसमें बोला गया आर इज अ हस्बैंड, आर जो है वो मेल मेंबर है, तो पति है, तो इसके लिए हम यहां पर प्लस लगा देंगे, करेक्ट। अच्छा अब एन के ऊपर क्या चिन्ह लगाएं दोस्तों, तो एन के ऊपर यहां पर सिर्फ और सिर्फ माइनस ही लगा सकते हैं। अभी इतने एडवांस नहीं हुए हम कि इसको भी प्लस कर दें, ठीक बात। तो एक प्लस तो दूसरा माइनस होना जरूरी है, मेल फीमेल है ना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक प्लस है तो दूसरा माइनस ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ तीसरा नहीं हो सकता, एक सेम जेंडर भी नहीं हो सकता। यहां हम ब्लड रिलेशन में इस चीज को बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पर ध्यान रखेंगे कि मेल फीमेल दोनों होने चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच। और दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है कि एक व्यक्ति की दो शादियां नहीं है ना, अपनी तरफ से नहीं। अगर क्वेश्चन की कोई डिमांड है तो वो अनदर थिंग है, आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन अगर जब तक ना दिया हो तो हमें एक प्लस और दूसरा माइनस ही लगाना पड़ेगा, और एक व्यक्ति की दो शादियां नहीं करा सकते, ठीक है। ये तो हस्बैंड वाइफ के लिए हो गया। अच्छा अब एक चीज समझिए, हमने हस्बैंड और वाइफ को ऐसे सीधी रेखा में रखा है, ऊपर नीचे नहीं रखा, हमने आर और एन को ऐसे नहीं बनाया है ना, क्योंकि ये जो तरीका है बनाने का वो गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, क्योंकि आर और एन ये दर्शाते हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं तो सेम पीढ़ी के लोग होंगे, एक ही जनरेशन के लोग होंगे, और जब भी कोई एक जनरेशन का व्यक्ति होता है, सेम पीढ़ी का व्यक्ति होता है, तो उसको हम ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सीधा सीधा बनाते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं ए बी सी डी सब एक लाइन में बने हैं, इसका मतलब ये चारों एक ही एज आयु के लोग हैं, और यहां नीचे की तरफ जो पांच लोग बने हैं ये भी एक ही पीढ़ी के लोग हैं। तो जब एक पीढ़ी के लोग होते हैं तो उनको एक ही लाइन में बनाते हैं, करेक्ट है। और आप जानते हैं कि एक पीढ़ी के लोग कौन कौन होते हैं, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन है ना, जीजा साला, साली, हाँ साली भी बिल्कुल, तो ये सारी चीजें एक ही जनरेशन में बन जाएंगी, करेक्ट। इसके बाद देखिए समझिए, ये तीसरा साइन हो गया। चौथा सिंबल क्या है, चौथे सिंबल को यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर भाई बहन। दोस्तों भाई बहन का जो रिश्ता है ये भी हमें पता है एक ही पीढ़ी के लोग होते हैं, इनके लिए हम जो चिन्ह इस्तेमाल करेंगे वो होगा इक्वल टू,
आप देख सकते हैं इक्वल टू जहां लगा है वो सब आपस में भाई बहन है, ठीक। तो ये जो भाई बहन मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। तो ये जो भाई बहन है इनको हमेशा एक ही लाइन में बनाएंगे और इक्वल टू के साइन से जोड़ देंगे। मान लो ऐसा दिया ए एच का भाई है, ए एच का भाई है, तो ए और एच को एक लाइन में रखेंगे। ए क्योंकि भाई है क्लियर पता है कि पुरुष है, प्लस का साइन लगाएंगे और दोनों में बीच बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक दोस्तों। इसका मतलब ए एच का भाई है, तो ये एच पे कौन सा सिंबल लगेगा? तो एच के ऊपर जो सिंबल लगेगा वो हम अपनी तरफ से डिफाइन नहीं कर सकते। एच ए का भाई भी हो सकता है और एच ए की बहन भी हो सकती है, लेकिन ए भाई है ये कंफर्म दिया हुआ है, तो एच के ऊपर कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, उसको छोड़ देंगे, करेक्ट। अच्छा, अब हम आते हैं भाई बहन के रिश्ते में। इसमें भाई एक और कैटेगरी जुड़ जाती है जिसको हम बोलते हैं इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, करेक्ट। तो ये ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ की लिस्ट है हमारे पास, थोड़ी बड़ी। आपको भी पता होगा ब्रदर इन लॉ कौन कौन होता है। देखिए ब्रदर इन लॉ होता है भाई आपका साला, जीजा। साला आप समझते हैं कौन होता है? हाँ, साला बनने के लिए क्या करना होता है? साला बनने के लिए वह बीवी का भाई होना चाहिए, है ना, वाइफ का ब्रदर, उसको हम क्या कहते हैं, साला। ऐसे जीजा, जीजा मतलब बिल्कुल जो आपकी सिस्टर हैं उनके हस्बैंड जो हैं उनको हम जीजा कहते हैं, ठीक है जी। साला, जीजा, उसके बाद देवर, जेठ। एक और कैटेगरी होती है दोस्तों, साडू। जी साडू, ये कौन होता है? ये साडू का मतलब होता है जो आपकी साली है ना, अभी नहीं होंगी, कुछ दिन में होंगी, जो भी होंगी, जो आपकी साली बनेंगी उनके जो हस्बैंड है उनको क्या कहते हैं, साडू, करेक्ट। इसी तरीके से सिस्टर इन लॉ में भी रिलेशन आता है, आपके पास है साली, भाभी, देवरानी, जेठानी, सलज, ननद, करेक्ट। ये सारी रिलेशन सिस्टर इन लॉ के अंदर आते हैं। सलज, अब जैसे सलज शब्द को लेते हैं, सलज शब्द का मतलब होता है दोस्तों जो आपके आपका जो ब्रदर इन लॉ है, आपका जो साला है, उसकी वाइफ को क्या बोलेंगे हम, सलज, करेक्ट। ननद, ननद कौन होती है दोस्तों? जो हस्बैंड है, जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके जो हस्बैंड होंगे, उनकी जो सिस्टर होगी, हस्बैंड की जो सिस्टर होगी, उनको क्या बोलेंगे हम, ननद। तो ये कुछ रिलेशन है जो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में आते हैं। हो सकता है कुछ और भी ऐड होगा तो वो आप देख लीजिएगा। ये सारे रिलेशन है जो ब्रदर और सिस्टर लॉ में आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि भाई ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के लिए कौन सा साइन है? तो इनके लिए कोई अलग से साइन नहीं बनाए दोस्तों। इन साइन जो हमने अभी तक ये साइन पढ़े हैं उन्हीं के थ्रू हम इन सारे रिलेशंस को कनेक्ट करेंगे। देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं, बहुत आसान है कनेक्ट करना। जैसे मान लो हमें दिया जाए कि ए आर की ननद है, ये हमें डिफाइन करना है, ए आर की ननद है, ए जो है वो ननद है, तो इसका मतलब ए जो है वो एक फीमेल मेंबर होगी, बिल्कुल कर दिया बच्चों। तो ए को ननद बनाना है आर की, तो मैंने आपको बताया ननद कौन होती है, पति की बहन। इसका मतलब जो ये आर है, आर ये जो फीमेल है, दी नहीं है लेकिन हमें मानना पड़ेगा, इसके अलावा तो कुछ बन ही नहीं सकता। आर के जो हस्बैंड होंगे, आर के जो हस्बैंड होंगे, कोई भी हो सकते हैं, वो नाम नहीं पता हमें, इनकी जो बहन है ए, ये अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब हुआ ए जो है वो आर की ननद होगी, ननद, क्लियर दोस्तों। और इंग्लिश में तो बहुत आसान है, उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टर इन लॉ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर फीमेल है तो सिस्टर इन लॉ, अगर यही प्लस होता तो इसको बोलते हैं हम ब्रदर इन लॉ, करेक्ट। जब भी एक जनरेशन में कुछ लोग बनते हैं, जब भी एक ही जनरेशन में कुछ लोग बनेंगे तो उनमें मेनली तीन रिलेशन निकलेंगे दोस्तों। पहला हस्बैंड वाइफ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो साइन जो लगे हैं, ये हस्बैंड वाइफ वाला साइन है। दूसरा रिलेशन कौन सा बनेगा दोस्तों? ये बराबर का,
इक्वल टू लगा है तो इसको बोलेंगे हम ब्रदर सिस्टर है। इसके अलावा जो तीसरा रिलेशन निकलेगा मेनली वो ये होगा कि ये आपस में ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ होंगे, करेक्ट है। यहाँ ए जो है वो आर की भी सिस्टर इन लॉ है और आर कौन है, ए की सिस्टर इन लॉ है। अब अगर क्वेश्चन को चेंज करके बनाएं कि भाई आर का क्या संबंध है, आर का रिलेशन क्या है ए से, तो आर का रिलेशन क्या है ए से, तो हम ए से पढ़ते पढ़ते आर तक कनेक्ट करेंगे। देखिए क्या रिलेशन निकलेगा, ए के पति सॉरी ए का भाई भाई की पत्नी। तब आपको पता है भाई की पत्नी कौन होती है, बिल्कुल ठीक भाभी जी, आर की पत्नी है ना, आर इज अ वाइफ, तो ए की भाभी हो जाएगी आर, जबकि ए आर की ननद होगी, करेक्ट है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल समझते हैं, देखिए यहां पे यहीं पे लिख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन में पूछा गया कि एम जे का जीजा है, एम जो है वो ए का जे का जीजा है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए जे का जीजा कैसे बनेगा, एम जब उसकी बहन का हस्बैंड हो, इसका क्लियर मतलब हो गया कि एम जो है वो एक मेल मेंबर है, प्लस का साइन लगेगा, तो बनाएंगे भाई जे, जे की कोई सिस्टर बनाएंगे, ये सिस्टर बना दी, जे की नाम नहीं पता, इनके जो हस्बैंड है एम, ये जे के कौन है भाई, जीजा, और इंग्लिश में कितना आसान है, ब्रदर इन लॉ। मैंने बताया ना एक जनरेशन एक पीढ़ी के अंतर में अगर कोई इन दो सिंबल को छोड़कर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो सब आपस में ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ होते हैं। अब इसी क्वेश्चन में पूछे बताओ जे का एम से क्या संबंध है, तो एम की जो पत्नी है उसका ये नहीं पता कि ब्रदर है कि सिस्टर है ना, पत्नी का कौन है, तो ये इसका जीजा भी साला भी हो सकता है सॉरी, और इसकी साली भी हो सकती है, ये साला या साली आएगी। अगर मान लो कि ये प्लस का साइन लगा दें तो अब जो ये जे का रिलेशन निकलेगा एम से वो निकलेगा दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन साला, है ना, ये जो जे है वो एम का कौन होगा, पत्नी का भाई, वो कौन होता है, साला। तो ठीक है भाई, इस तरीके से आप इन सवालों को चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो पांचवा सिंबल हमारे लिए बच गया है इसको थोड़ा यहां से इरेज कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लेना। अब हमारे पास जो एक पांचवा चिन्ह बचा है दोस्तों वो है वन जनरेशन गैप, एक पीढ़ी का अंतर, लिख लेते हैं एक बार, वन जनरेशन गैप, एक पीढ़ी का अंतर। जब भी हमें एक पीढ़ी का अंतर दो लोगों के बीच में दर्शाना होगा तो हम एक ऐसे खड़ी लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारा रिलेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जब हम एक पहले तो हम ये बात करेंगे इस बारे में कि भाई ये एक पीढ़ी का अंतर किन किन लोगों के बीच होता है, तो दोस्तों एक पीढ़ी का जो अंतर है वो फादर सन के बीच में होता है, माँ बेटी के बीच में होता है, बुआ भतीजा मामा भांजा है ना, या फादर हमारे जो हैं और हमारे जो ग्रैंडफादर हैं उन दोनों के बीच में भी आपस में एक जनरेशन का गैप होगा, ठीक है दोस्तों। तो जब हम ऐसे मान लीजिए हमें कोई एक लाइन दी है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं भाई, आप समझिए कि हमें दिया हुआ है राजू इज अ फादर ऑफ कपिल, राजू जो है वो कपिल के पिता हैं, ये हमें बनाना है। अच्छा अब देखिए ये राजू जो है वो फादर हमें पता चल गया, इसका मतलब ये मेल मेंबर होंगे, कंफर्म बात होगी। ये कपिल कौन होगा, बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं आप, कपिल का जेंडर नहीं पता क्योंकि नाम के बेसिस पे हम यहाँ पर कपिल को बॉय कंसीडर नहीं कर सकते या गर्ल कंसीडर नहीं कर सकते, उसको छोड़ देंगे अभी। राजू इज अ फादर ऑफ कपिल गिवन है, तो अब आप देखिए जो राजू हैं ये एज में ऑब्वियसली बड़े होंगे कपिल से, क्योंकि कपिल जो है वो छोटा है एज में, सीधा सीधा पता चल रहा है, और राजू की एज बड़ी है। तो जिन लोगों की दोस्तों एज बड़ी होती है उनको हम हमेशा क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, है कि नहीं। तो जब हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो अपने से ऊपर का दर्जा देंगे, इसका मतलब राजू को हम ऊपर की तरफ बनाएंगे जबकि कपिल को हम नीचे की तरफ बनाएंगे, करेक्ट है। तो देखिए समझिए यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करेंगे दोस्तों, राजू प्लस नीचे ऐसे लाइन खींचेंगे और कपिल लिख देंगे,
इसका मतलब है कपिल और राजू में पहली बात खून का संबंध है, ब्लड का रिलेशन है, दूसरा राजू की एज ज्यादा है और ज्यादा में कौन है प्लस, इसका मतलब राजू फादर हैं कपिल के, करेक्ट हो गया। अच्छा चलिए इसी को थोड़ा और बना देते हैं, ऐसे बना दिया हमने मोनिका माइनस राज, कपिल को भी अपनी तरफ से हमने माइनस और राज को प्लस कंसीडर करा और यहां पर हमने इसको लिख दिया दिव्या और यहां लिख दिया हमने शोभित प्लस, करेक्ट दोस्तों। अब देखिए ये, अब इसको हम थोड़ी देर कंसीडर करते हैं, इसको पढ़ने के बाद हमारे पांचों सिंबल्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम इस वाले चार्ट पे आएंगे दोस्तों और फिर समझेंगे कि इस वाले चार्ट में क्या क्वेश्चन है, क्या आपस में रिलेशन निकल सकता है और फिर हमें हमारा जो है मैक्सिमम काम कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। चलिए इस पार्ट में देखिए दिव्या, दिव्या अब देखिए यहां राजू और दिव्या के बीच में ये वाला साइन लगा है, मतलब हस्बैंड वाइफ का साइन लगा है दोस्तों, ये राजू पे प्लस लगा है तो दिव्या हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई माइनस होगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां पर राजू और दिव्या के बीच में यहां पर कोई साइन नहीं लगा, लेकिन नहीं लगा तो हम यहां पर क्या साइन लगाएंगे अपनी तरफ से, इक्वल टू। ऐसे देखिए यहां राजू और मोनिका के बीच में भी कोई साइन नहीं लगा तो यहां पे भी अपनी तरफ से क्या कंसीडर करेंगे, इक्वल टू। लेकिन ये जो नीचे वाले दोनों इक्वल टू हैं इनमें डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करते हैं। देखिए ये शोभित और कपिल में बीच में क्या रिलेशन होगा, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर वाले सिंबल पे, ये दोनों पति पत्नी और कपिल और शोभित इन दोनों के बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ ये दोनों रियल ब्रदर सिस्टर है कि नहीं, भाई बहन हो गए। अच्छा अब यहां पे आप इन दोनों सिंबल को देखते हैं, यहां पे कपिल और राज के बीच में लगा हुआ इक्वल, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है इक्वल, इसका मतलब ये राजू और मोनिका दोनों आपस में कौन है, भाई बहन है। ये दोनों अगर ब्रदर सिस्टर हैं तो इन दोनों ब्रदर सिस्टर के बच्चे हो गए, इसका मतलब ये आपस में ब्रदर नहीं होंगे, आपस में ब्रदर सिस्टर नहीं होंगे, ये कौन होंगे आपस में, इनको बोलते हैं दोस्तों कजन। इसको हमने सी लिख लिया और इसको हाईलाइट कर लिया कि भाई कपिल और राज आपस में कौन है, कजन है, करेक्ट। चलिए अब इसका आगे देखिए, अब मान लो कि मैं ये सिंबल हटा देता हूं मोनिका के नीचे से, ठीक। अब इससे क्या, अब इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा कि भाई राजू का जो बेटा है बेटी है कपिल और कपिल का भाई है राज, इसका मतलब अब ये शब्द कजन यहां से हट जाएगा। इसका मतलब जब हमारे पास ये लाइन होती है इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट ब्लड का रिलेशन है, लेकिन जैसी लाइन हटा हम यहां से इरेज कर देते हैं इसका मतलब अब इसका इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ब्लड का, अब मोनिका का जो राज से संबंध होगा वो ऐसे होगा राजू के थ्रू, इसका मतलब मोनिका अब राज की मदर नहीं है, करेक्ट। तो अभी हम फिलहाल के लिए लाइन खींच देते हैं और थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए अब हमारे पास रिलेशन निकालना, मान लो ये इसको कजन लिख लेते हैं, ये हमें निकालना है कि भाई दिव्या का क्या रिलेशन है राज से, है ना, हु इज दिव्या टू राज, ये सवाल है भाई कि दिव्या का राज से क्या संबंध है। तो देखिए हमें दिव्या का संबंध बताना है, इसका मतलब हमें राज से कनेक्ट करते करते और दिव्या तक रिलेशन को लेके जाना होगा। तो रीड करते हैं, देखिए राज, राज की मदर, माँ, माँ का ब्रदर है ना, इक्वल टू का साइन है और ये प्लस है, माँ का भाई कौन होता भाई, मामा, ठीक, मामा की वाइफ, तो मामा की वाइफ कौन होती है दोस्तों, बिल्कुल सही, मामी, तो आंसर हो गया मामी, और इंग्लिश में कहते हैं बहुत इजी आंट, इसका मतलब जो दिव्या है वो राज की आंट है। अच्छा अब एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको यहाँ पे, जब भी कोई व्यक्ति एक जनरेशन ऊपर की तरफ होता है और वो माइनस होगा, माइनस होगा और एक जनरेशन ऊपर होगा, तो सिर्फ दो ही रिलेशन है जो निकल सकते हैं, पहला माँ, अगर सीधी लाइन खींची हुई है दिव्या की शोभित से जैसे देख सकते हैं, इसका मतलब ये जो दिव्या है ये शोभित की माँ होगी, और अगर ये लाइन नहीं खींची हुई है, ऐसी कोई लाइन है राज के थ्रू जा रही है जो,
तो इसका मतलब वो दूसरा जो रिलेशन होगा वो 100% आंट होगा। क्लियर। दूसरा एग्जांपल समझिए, मोनिका का कपिल से क्या रिलेशन है? तो मोनिका का रिलेशन है कपिल से क्या, तो कपिल से रीड करते हुए मोनिका तक जाना है। कैसे रीड करेंगे भाई? कपिल के फादर, फादर की बहन। फादर की बहन को हिंदी में क्या कहते हैं? बुआ। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंट। तो इस ये मोनिका जो है वो कपिल की बुआ यानी कि आंट है। करेक्ट दोस्तों। तो अब इसके बाद ये मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम सीधा आते हैं दोस्तों इस वाले चार्ट पे और चीज़ों को समझते हुए और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको भी इसी में लेंगे और फिर हमारा ये जो डिस्कशन है आज का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर जो ये चार्ट बना है, यहां पे 9 लोगों का ग्रुप गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां पे बनता है वो है कि इस परिवार में, क्योंकि एक परिवार है, इस परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, है ना? हाउ मैनी फीमेल्स इन दिस फैमिली। अच्छा देखिए ऑप्शंस क्या आएंगे, ए 2, बी 3, सी 4, डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन में देखो आप फीमेल मेंबर पूछा है, फीमेल मतलब माइनस होगा, यहाँ पे डी माइनस, यहाँ पे एच माइनस, दो फीमेल तो हमें मिल गई, इसका मतलब दो आंसर होगा क्या? नहीं। अच्छा आप देखिए क्या कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, तो इसको सोचने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे दो फीमेल तो हमें मिल गई, आप समझिए कि ये जो बी और सी है इन दोनों में क्या गिवन है भाई? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, पति पत्नी का। ऐसे ही सेम सिचुएशन यहाँ जी और एफ में भी दिया हुआ है, इसका मतलब इस बी और सी में से कोई एक फीमेल होगी और सेम कंडीशन एफ और जी में से भी कोई एक मेल और कोई एक फीमेल होगी। इसका मतलब डी एच इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक, इसका मतलब कुल मिलाकर कितनी फीमेल मेंबर होगी भाई? 4। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों 4, 4 फीमेल सदस्य। ठीक है, तो अच्छा अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि बताइए इस परिवार में फीमेल मतलब महिलाएं कौन कौन है, हु आर द फीमेल्स इन द फैमिली, है ना, नाम बताइए। तो जब हम नाम की बात करेंगे तो एच और डी का नाम तो बताया जा सकता है, इसके अलावा और किसी फीमेल का नाम नहीं बताया जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में फिर आंसर क्या बन जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर यहां तक? चले अब हम इसको थोड़ा अपनी तरफ से एड ऑन कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं भाई माइनस, इसको मान लेते हैं प्लस। अच्छा यहां पे मान लेते हैं इसको माइनस और ये मान लेते हैं प्लस। ठीक है बच्चों, कुछ और क्वेश्चन है जो यहां पर हमें डिस्कस करने की जरूरत है, चले उनको भी एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको लगे कि भाई हमने जो डिस्कशन करा उसमें ये रिलेशन तो रह गया, तो उसके लिए आप जब हमारी ये वीडियो देखेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज अपने जो सजेशन है वो भी देते रहिए, उसकी हमें हमेशा से ज़रूरत रहती है और हम उस पर 100% वर्कआउट करेंगे। वैसे हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ ना छूटे और ना तो कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है दोस्तों, डन। चले आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा। क्वेश्चन बना, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा हमें एफ का सी से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, दो चीजें हैं। पहला अगर मैं ये पूछूं F और C के बीच में क्या संबंध है तो आंसर अलग होगा, लेकिन जब पूछा है कि F का C से क्या संबंध है तो आंसर कुछ और बनेगा। ठीक है, यहां F का संबंध पूछा है C से, तो आप क्या करेंगे? C से चलते 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 और F तक पहुंचेंगे और रिलेशन को डिफाइन कर लेंगे। यहां देखा हमने भाई सी ये रहा, एफ ये रहा, आप सी से एफ तक का लिंक कैसे बनेगा भाई? ये लिंक बनेगा दोस्तों, ये। ठीक है, ये देखिए कैसे करेंगे। सी, सी का बेटा, सी का बेटा क्योंकि सीधी लाइन कनेक्ट है, बेटा बेटे की बहन, तो बेटे की बहन कौन होती है? बेटी। तो आंसर बनेगा बेटी, डॉटर।
ठीक है, अब आपको आसान लग रहा होगा क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर गलती से लिखते हैं सी, सी लिख देते हैं, मान लो आपने लिख दिया पिता, तो दोस्तों इसमें फिर गलती हमारी नहीं, गलती आपकी मानी जाएगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सीधा पूछा है कि एफ का क्या रिलेशन है। कभी कभी हम ये बहुत कॉमन एरर है, और ये एरर जो है हमें प्रैक्टिस के साथ साथ इसको खत्म कर देना है। जो क्वेश्चन हमें आता है हम उस क्वेश्चन को गलत क्यों करें, 1% भी हमारे पास चांस नहीं है। हमने सीधा क्वेश्चन में दिया एफ कौन है सी का, हमारा फर्ज बनता है सही आंसर देना। हम सी से एफ तक जाएंगे और रिलेशन को बता देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। एच का ई से क्या संबंध है, है ना, हाउ इज एच रिलेटेड टू ई, ये क्वेश्चन हो गया। हाउ इज एच रिलेटेड टू ई, तो एच तक जाना है कहां से, ई से, तो ई से घूमते घूमते ये देखिए यहां से दिया हुआ है एच, ई का एच से क्या कनेक्शन है, ये कनेक्शन है दोस्तों। तो ई से घूमकर एच तक जाना है, तो कैसे जाएंगे, ई के पिता, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी कौन, माँ, माँ की बेटी, आपके माँ जो है उनकी बेटी आपकी कौन लगती है, बहन, बिल्कुल ठीक है, यहां आंसर होगा बहन, बहन मतलब सिस्टर। ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन हो गया। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वन जनरेशन गैप। वन जनरेशन गैप का मतलब हमने बताया था कि भाई एक पीढ़ी ऊपर जो होगा, तो मान लीजिए ऐसे दिया है ए प्लस बी प्लस, इसका क्या मतलब है, ये जो बी है वो ए के फादर है, ठीक बात है, एक जनरेशन ऊपर मतलब फादर, सीधी लाइन से कनेक्टेड हो, फादर ऐसे लिखा है सी प्लस, तो ये सी कौन हो गए, ग्रैंड फादर, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रैंड फादर, ठीक है। इसके ऊपर अगर ऐसे लिखा है डी प्लस, तो ये कौन हो गए, ग्रेट ग्रैंड फादर, एक और ऊपर लगा हुआ है ई प्लस, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, है ना, जितनी बार एक ऊपर जाएंगे ग्रेट शब्द का इस्तेमाल होगा, और अगर हम कहीं इसके ऊपर चले गए तो ये क्या हो जाते हैं दोस्तों, लेट ग्रैंड फादर, है ना। इतनी ऊपर जनरेशन कहाँ जाती है आज की डेट में, इतनी ज्यादा पॉल्यूशन वाली जिंदगी, है ना, इतनी ज्यादा बीमारियां नई नई चल रही हैं, यहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं, लेट ग्रैंड फादर। चले ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया, दो जनरेशन मतलब ग्रेट फादर, ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रेट ऐसे लगा देंगे। अच्छा, इसके बाद दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों ब्लड रिलेशन में, एक तो है आपका पैटर्नल और एक शब्द है मैटर्नल, पैतृक और मैतृक, पैटर्नल मतलब पैतृक, पैतृक का मतलब होता है दोस्तों वो संबंध जो पिता की ओर से हो, पिता की ओर से, और मैटर्नल का मतलब होता है मां की ओर से। ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि ऑप्शंस में कभी कभी पैट इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। पैटर्नल ऐसा बोलते हैं आपसे कि पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल का मतलब वो अंकल आपके जो फादर की तरफ से रिलेशन रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाचा, ताऊ और फूफा, करेक्ट। जैसे मैटर्नल आंट की बात करें तो मैटर्नल आंट का मतलब क्या है भाई, मामी और मासी, तो ये मैटर्नल आंट हो गए, तो मतलब फादर की ओर से और मदर की ओर से, तो इन चीजों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इस चार्ट के ऊपर, उसके बाद फिर नेक्स्ट जब हम वीडियो इसका आपके सामने लेके आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से कनेक्ट करना है, तीनों टाइप को अच्छी तरीके से डिटेल से समझेंगे और हमारी ये चैप्टर में पूरी कमांड हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। बस आपको चैनल के साथ बने रहना है और ये मेरी आने वाली वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहना, अपडेट रहना आपको बेसिकली, ठीक है। चलिए अब इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन लिया हमने यहां से, तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम, बी का जी से क्या संबंध है। तो बी का संबंध बताना है दोस्तों, ये बी और ये जी, तो बी का संबंध जी से कैसे पता चलेगा, ये कनेक्शन यहां तक पहुंचा। चलिए इसको पढ़ते हैं, जी की पत्नी, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई साला, साला साले के पिता, साले के पिता मतलब ससुर,
ससुर की पत्नी मतलब सास, तो आंसर क्या निकलेगा, सास। और इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल ठीक, मदर इन लॉ। ठीक है, कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं जिसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन ना आए। ये चैप्टर आपको 100% हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं तक अपने बातों को रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे और हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं रीजनिंग से रिलेटेड, मेरा ये आपसे वादा है कि आपको टाइम टू टाइम, पहली बात तो मैं आपको लेक्चर्स देता रहूँगा, और दूसरा आपको कहीं और से उसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज की बात को यहीं तक रखता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप में मिलेंगे। थैंक यू।